आप देख रहे हैं रजनी किशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को बहुत ही टाइम लग गया है, आज मैंने लॉन्ग वीडियो बनाने का सोचा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोर्स का, जिसने पूछा था कि हमें इसका इंफॉर्मेशन चाहिए है कि पूरा कोर्स कितने टाइम तक का है, इसकी फ़ीस वगैरह जो भी है सब डिटेल मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। अब सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी IIFT। तो अभी सबसे ऊपर हेडिंग में ड्राफ्टिंग सिलेबस फॉर 1 ईयर, तो ये 1 ईयर वाला सिलेबस है। तो आप चाहें तो सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप 3 मंथ्स का भी कोर्स करना चाहते तो कर सकते हैं, और 6 मंथ का करना चाहते तो 6 मंथ का, और 1 ईयर का तो मैं कर ही रही हूँ, उसकी आपको पूरी डिटेल दूंगी मैं, क्या क्या मैं सीखूंगी, क्या क्या मैंने सीखा है अभी तक। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपको पता हो कि आपको क्या आता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या आता है। यदि आपको स्टिचिंग आती है, यदि आपको डिप्लोमा बस चाहिए है, तो आप 3 मंथ्स का भी कर सकती हैं। डिप्लोमा नहीं मिलेगा शायद, सर्टिफिकेट मिलेगा 3 मंथ्स में और 6 मंथ में, तो शायद मिल भी सकता है, मुझे ज़्यादा इसकी पता नहीं, आप पूछ के पता कर सकते हैं। यदि आपको जो चाहिए हो वो मिल सकता है, बस फीस सबकी अलग अलग रहेगी। और मुझे 6 मंथ वाली पता है कि 36,000 के अराउंड है फीस, बाकी मेरी 63 लग रही है 1 ईयर की, 63 भी नहीं है 81 है वैसे तो, और सोर्स के थ्रू मेरा हुआ था, मतलब एक स्टूडेंट के थ्रू, तो मेरा उसमें कम हो गया, इकट्ठा पे किया था तो उसके थ्रू मेरा 63 हो गया। तो आप जब भी इसमें ज्वाइनिंग करने का सोचें तो आप ये सोचें कि पहले किसी के थ्रू जाएं, आप डायरेक्ट बात ना करें, क्योंकि फ़ीस का बहुत है, क्योंकि किसी किसी को तो 83 भी लग चुकी है और 81 भी लग ही रही है, मेरी 63 है, तो बहुत अंतर आ जाता है फीस में। तो आप वो पता कर लें, उसके बाद ही एडमिशन वगैरह की प्रोसेस करें आगे की। अब हम देखेंगे सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें फाइल इसमें 28 टॉपिक्स हैं या 29, तो ये टॉपिक हैं जो 1 ईयर की ड्राफ्टिंग के लिए हैं, जो 1 साल की कोर्स की जो ड्राफ्टिंग होगी वो उसके लिए ये पूरा चार्ट है। मैंने सबकी फ़ोटो डाली हुई है, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं यदि आपको इसकी ज़रूरत है तो, बाकी तो मैं दिखा ही रही हूँ। अब हम बात करेंगे इसके, सबसे पहला पॉइंट है जो हैंड स्टिच में क्या है। सबसे पहला रनिंग बन, नंबर 2 रनिंग, 2 नंबर 3 हाफ बैक, नंबर 4 फुल बैक, नंबर 5 विजिबल हेमिंग, और नंबर 6 इनविजिबल, और नंबर 7 लॉक स्टिच। तो सबसे पहली बात क्या है, सब जो सैंपल बनते हैं, जो हमें सिखाया जाएगा उसी की हम फाइल बनाएंगे, वो ही सैंपल हमारी फाइल में अटैच होंगे, हमें उसे चिपकाना पड़ेगा एक अच्छी सी फाइल बना के, डिज़ाइनिंग करके हम उसे ही बातें प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ये नॉर्मल चीज़ें रनिंग 1 रनिंग 2, तो ये सिंपल सिलाइयाँ हैं, मुझे भी पता नहीं था। फुल बैक हाफ बैक मतलब कि जो हम टाँका डालते हैं उसे फुल लेते हैं तो फुल बैक हो गया, उसे हाफ लेते हैं पूरा बैक होते हैं तो मतलब फुल बैक हो जाता है, और हाफ बैक होते हैं तो हाफ बैक, ऐसी चीज़ें हैं। और विजिबल हेमिंग का तो वो तुरपाई होता है, और इनविजिबल का भी होता है जो दिखती नहीं है, बिना दिखने वाली तुरपाई। अब ये बेसिक सी चीज़ें जो मुझे भी पता नहीं थी इन्हें क्या कहते हैं, मुझे स्टिचिंग आती बहुत अच्छे से आती है, लेकिन उसके बाद ही मुझे ये बेसिक चीज़ें पता नहीं थी। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यदि आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप 1 ईयर का ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात और ये भी है कि यदि आप बहुत लेंदी सीखना चाहते हैं तो 2 ईयर्स वाला भी, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स, तो आप जितना लंबा जाना चाहते हैं तो उतना लंबा सीख सकते हैं। टेक्सटाइल भी होता है, टेक्सटाइल का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं जो कर रही हूँ फैशन वाला कर रही हूँ, फैशन टेक्नोलॉजी वाला, फैशन डिज़ाइनिंग वाला, तो आप उसका पता कर सकते हैं खुद से। बाकी अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, प्लेन सीम, टॉप सीम, सिंगल एच टर्न, डबल एच टर्न, ये सब हमारे कुर्तों में भी यूज़ होती हैं, फ्रेंच सीम, रन फिल, हो सकता है किसी को इस सब के बारे में पता हो, लेकिन मुझे मोस्टली चीज़ें पता नहीं थी, आती है किया भी, उसके बाद भी हम उसे ये पता नहीं है कि मुझे किसे कहते क्या है, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं कि बेसिक में क्या क्या आता है, बेसिक है ये सब। प्लेन टक, प्लेन क्रॉस, स्पेस टक, ब्लाइंड टक, डायगनल क्रॉस टक, कॉट टक, बेब टक। अब प्लेन टक की बात करेंगे, जो प्लेन टक सीधी सीधी टक डालते हैं, जिन्हें हम पिनटक्स भी कहते हैं, पिनटक्स भी कहते हैं, प्लेन क्रॉस, उसी पिनटक्स को हम क्रॉस में करेंगे, और स्पेस टक में हम उसमें सिलाइयाँ तो लगाएंगे बट वो दिखेंगी नहीं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लगाएंगे।
नंबर चार में प्लेट्स हैं, नंबर पांच में ओपनिंग, नंबर छह डार्ट और नंबर सात कुलिटिंग। मैं कुलिटिंग से आपको बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मेरा ये अभी स्टार्ट हुआ है तो मैं अभी इसको दिखा सकती हूँ। बाकी मेरे कंप्लीट हो गए तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर उसमें दिखा दूंगी इसे कैसा बनाया है, कैसा है ये, कैसा क्या होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेन कुलिटिंग, इंग्लिश कुलिटिंग और इटालियन कुलिटिंग। तीन टाइप की कुलिटिंग होती है, मुझे ये पता नहीं था, बेसिक चीज़ है ये, मैंने की भी है, इसके बाद मुझे नाम नहीं पता था इसे क्या कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि मैंने ये कैसे बनाई है और ये कैसी दिखती है। और ये सबसे पहली है जो प्लेन कुलिटिंग है, जो थ्रेड से करी है, कलर थ्रेड है और चेंज भी कर सकते हैं इसे। तो देखिए मैंने इस पर टूटी बनाई है, एक ड्रॉ करी थी पेंसिल से, ड्रॉ करी थी। इसकी पूरी प्रोसेस मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे की है। ये 7x7 के दो पीसेस लिए थे, इसके अंदर हमने बकरम फ्यूजिंग पेपर लगाई हुई है और इसे पलट दिया और टॉप स्टिचिंग करने के बाद इस पर इसे ड्रॉ किया है पेंसिल से। उसके बाद हमने प्लेन थ्रेड से इसे मशीन से इसे सिलाई स्टिच की है। इसके बाद इसकी लिप्स जो हाथ से भरे हुए हैं मैंने, और आई भी हाथ से भरी हुई है, अंडर आई, बाकी सब ये स्टिचिंग द्वारा हुआ है। इस तरह से ये कंप्लीट हुई है। तो इसे हम प्लेन कुलिटिंग कहते हैं। इसका यूज़ हम टी शर्ट, शर्ट और प्लेन जो भी चाहें उसमें कर सकते हैं, अच्छा सा लुक देने के लिए। तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, ये बहुत ही सिंपल है बनाना, हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरी कुलिटिंग की बात करेंगे। दूसरी क्या होती है? दूसरी कुलिटिंग ये है, ये एक फॉर्म शीट पर बनी हुई है, मतलब फॉर्म शीट इसके अंदर हमने लगाई हुई है। पतला फॉर्म होता है जो सबसे पतला, उसे लगाया हुआ है। और इसे भी हमने सारे सैंपल जो बनेंगे सबसे पहली बार 7x7 के पीसेस कटेंगे सब बनेंगे, और ये सारे सैंपल हम अपनी फाइल में लगाएंगे, अरेंज करेंगे और उसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे और उसे प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हमारी फाइल बन रेडी होगी, कंप्लीट होगी, और जिसमें हम अपने जितने टॉपिक हैं फाइल बन में हमारे जहाँ तक टॉपिक आने हैं वो होंगे सस्ते 11 पॉइंट तक हमारे ये आएंगे, सीम वेरिएशन तक हमारे ये आएंगे। तो मैं आगे का भी आपको दिखा दूंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट या निकलवा सकते हैं, इसका जो भी चाहें रख सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये, इसे हम इंग्लिश कुलिटिंग कहते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रज़ाइयाँ वगैरह में रहता है, रज़ाइयाँ होती हैं, कार्पेट होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें होता है, देखा होगा। मैंने ये ऐसा किया था, सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ ऐसा डिज़ाइन नहीं किया है। और इसके अंदर फॉर्म है और 7x7 के पीछे इसे पलटा है और उसके बाद इसे सीध से ड्रॉ करके नॉर्मल थ्रेड से इसे करा है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड जो इटालियन कुलिटिंग होती है उसे देखेंगे। ये है इटालियन कुलिटिंग, इसका यूज़ भी हम अपने कपड़ों में कर सकते हैं, टी शर्ट, शर्ट, जो भी चाहे, पैंट, जो भी जैकेट, जिस चाहे चीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सुंदर सुंदर से कवर, सोफ़ा कवर या टेबल कवर, जो चाहे उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कैसी किया, 7x7 का पीस लिया, इसे पलटा, इसके अंदर फॉर्म लगा हुआ है और ये है एंकर थ्रेड। ये धागा जो एंकर थ्रेड है इसे मैंने मशीन के बॉबिन में भरा हुआ था और ये ऊपर की तरफ ये सिलाइयाँ चला रही थी, ये सिंपल धागा, और अंदर की तरफ जो भरा था ये एंकर थ्रेड भरा था। इसके नेल्स और लिप्स हाथ से किए गए हैं। इस तरह से ये कंप्लीट हुई है। इसका बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही दिखने में सुंदर और बनाने में इजी है। यदि आप सीखना चाहेंगे तो मैं इसकी प्रोसेस आपको सिखाऊंगी, जैसे ही मैं इसे सिखाऊंगी वैसे ही इसे करना। सिर्फ इसके नीचे की तरफ हमें एंकर थ्रेड भरना है, बॉबिन, जो बॉबिन रहता है उसमें हम एंकर थ्रेड भरेंगे। ये देख सकते हैं ये भी कितना सुंदर लग रहा है। ये तीनों कुलिटिंग मैंने आपको बता दी है। इस टॉपिक से मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूंगी, बाकी के टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो गए तो मैं वो बाद में आपको दिखा दूंगी, बने बनाए दिखाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं बाकी बना के दिखा सकूं, क्योंकि वो कोई यूज़ में भी नहीं होंगे। सिंपल चीज़ें हैं जो नॉर्मली मैं बताऊंगी, यदि दिखाऊंगी बने बनाए तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे क्या किया है। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और जब भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं तो आप पहले देखें कितने मंथ का या कितने साल का आपको करना है और क्या क्या आपको आता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका चूज़ करें कि आपको कौन सा आपको कोर्स ज्वाइन करना है। तो आगे की चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको, उसमें आगे का जो पार्ट है, आगे का सिलेबस है, उसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगी तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही क्रिएटिव और नए नए आइडियाज़ देखने के लिए बने रही रजनी क्रिएशन के साथ। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।